जब जब वफा की बात होती है तो दोस्ती का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र में एक दोस्त ने शराब के नशे में कहासुनी होने पर अपने ही दोस्त की अंगोछे से गला दबाकर हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में एक सनसनीखेज खुलासा किया है और हत्या के आरोप में मृतक के करीबी दोस्त को ही गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धनकौर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले मिले शव के मामले में हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के करीबी दोस्त बंटी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने खुद दोस्त के कत्ल का गुनाह कबूला है कि उसने नशे में कहासुनी होने के दौरान गला घोटकर अपने ही दोस्त को मौत की नींद सुला दिया था और शव को जंगल में फेंक कर फरार हो गए थे। 24 मार्च को एक डेड बॉडी मिली थी धनकौर में पिपलका के जंगलों के पास, जिसकी पहचान बुलंदशहर के ककोड़ के रहने वाले व्यक्ति के रूप में हुई। इस पर कई टीमें सर्विलांस टीमें लगाई गई, कई गहन पूछताछ किए गए। मृतक के घर से एक खसरा खतौनी भी मिला जो जुनैदपुर के बंटी का था। बंटी को गिरफ्तार किया गया, उससे गहन पूछताछ की गई तो पूरा घटनाक्रम यूँ स्पष्ट हुआ कि बंटी मृतक और शौकीन तीन लोग साथ में शराब पिए। शराब के दौरान पीने के दौरान ही कुछ कहासुनी हुई। इस कहासुनी पे बंटी और शौकीन ने मिलकर अंगोछे से मृतक का गला कस दिया और उसको सड़क पर पटक दिया। बाद में उसकी डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया और उसकी मोटरसाइकिल को ले जाकर पिपलका के जंगलों में खड़ा कर दिया। इस आधार पर बंटी की गिरफ्तारी हुई है। एक ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण किया गया है। आला कतल अंगोछा बरामद किया गया है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। दूसरे अभियुक्त शौकीन के लिए टीम गठित है, लगातार दबिश दे रही है। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया है। इस हत्या में आरोपी बंटी का साथ उसके एक और दोस्त शौकीन ने दिया था, जो मौके से फिलहाल फरार है। मृतक ओमवीर 24 मार्च को बाइक लेकर अपने घर से निकला था और वो संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने बीटा 2 थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन 27 मार्च को धनकौर थाना क्षेत्र में उसका शव पड़ा हुआ मिला था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बंटी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल किया गया अंगोछा और एक तमंचा भी बरामद किया है। वहीं एक और हत्यारे की तलाशी के साथ साथ सभी एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा से शुभम शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।